डिजीज है जो वायरस पास करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे द डिजीज विच अकर ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ हर्पीस सिंप्लेक्स वायरसेस। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस की एक ग्रुप है जिसके कई टाइप्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग के में मुख्तलिफ किस्म के डिजीजेस काज करते हैं। विच काज ब्लिसर, जिसमें दाने निकल आते हैं हमारे ओरल रीजन्स में माउथ के गिर्द, और जेनिटेलियल यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के गिर्द दाने निकल आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी बीमारी को हर्पीस कहा जाता है। यानी हर्पीस में हमारे माउथ के गिर्द या हमारे रिप्रोडक्टिव बॉडीज के गिर्द, जो है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के गिर्द दाने निकल आना स्टार्ट हो जाते हैं। हर्पीस के दो टाइप्स है आप लोगों के कोर्स में, ओरल हर्पीस एंड जेनिटेलियल हर्पीस। ओरल हर्पीस ओरल माउथ को कहते हैं, वो हर्पीस जिनमें दाने निकल आते हैं हमारे माउथ के गिर्द, इसे कहते हैं ओरल हर्पीस। और ये कास करते हैं हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1। और जो जेनिटेलियल हर्पीस है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के गिर्द जिसमें दाने निकल आते हैं, वो कास करते हैं हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2। ये कौन सा वायरस होगा? हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2। और जो ओरल माउथ के गिर दाने जिस वायरस से काज होते हैं, उसे हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 कहते हैं। ये दोनों वायरसेस जो है ना, ये डीएनए वायरसेस हैं, यानी इसमें हेरिडिटी मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होती है, जिनकी साइज तकरीबन 200 नैनोमीटर तक होते हैं। और इनकी अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए, तो उसका इन दोनों का इंक्यूबेशन पीरियड, उनका जो पहला ब्रिक होता है, वो राउंड अबाउट 6 डेज तक होता है। बात करते हैं ओरल हर्ब्स की सिम्टम्स की, तो ओरल हर्ब की सिम्टम्स में फेवर आती है ब्लिसर अराउंड माउथ या ब्लिसर अराउंड लिप्स अपीयर्स होते हैं, यानी लिप्स पे माउथ के गिर्द या माउथ में दाने निकल आना शुरू हो जाते हैं, वही दानों की ब्रिक होती है और वही रीजन पे सूजिश होती है। इसी तरह जो जेनिटेलियल हर्ब्स है, जेनिटेलियल हर्ब्स में स्क्रोटम रीजन, जो जहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं मेल के, उस रीजन पे दाने निकल आते हैं। पीनस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के एनस रीजन पे और वेजाइनल रीजन पे, और वहां पे जो है ना पेनफुल यूरिनेशन होती है, यानी जब बंदा पेशाब करते हैं तो दर्द महसूस होती है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ जेनिटेलियल हर्ब्स। ये किस चीज के हैं? जेनिटेलियल है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाले हर्पीस के एग्जांपल है, और ये ओरल हर्पीस के सिम्टम्स हैं। अब इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, तो या इसमें कुछ हर्पीस जो ओरल होते हैं वो खुद भी कुछ टाइम बाद ठीक हो जाते हैं, या डॉक्टर जो है ना एंटी वायरल ऑइंटमेंट देते हैं, मरहम जिसे कहते हैं आप लोग, या पिल्स दे दिए जाते हैं, और इनसे इनका इलाज मुमकिन है।